जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाब चैनल। जी तो जनाब, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का? सब ठीक ठाक हैं भाई? ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, जैसे कि कल रात यार गज़ल ने बताया था कि गज़ल को मैंने कल रात बोला था कि भाईजान आप सुबह पैकिंग कर लें। सुबह तो नहीं, खैर अब दोपहर का एक बज चुका है, बट ये है कि अब हम लोग निकलने लगे हैं सवात। जी बिल्कुल सवात, हम सवात जाने लगे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं गज़ल मौजूद। जी गज़ल, सवात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लेट हो गए हैं तो अभी बस निकलते हैं, आप कर ले फिर निकलेंगे। अच्छा चले जी, यार हम ना बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं तो अब निकलते हैं, तो इंशाल्लाह सफर के अंदर जो जो जरूरी तदाबीर हैं वो सारी हमने अपना ली हैं, जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह कर लेते हैं। ठीक है तो चलते हैं इंशाल्लाह सवात। ओके अच्छा जी, अम्मा बाबा को मिल लेते हैं, अम्मा बाबा को भी अल्लाह हाफिज़ कहते थे, फिर यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गजल, तुम पानी पीती जाओ, बस टिका के पानी पियो। अच्छा अम्मा, जैसे कि अम्मा मैंने आपको बताया था आज हम लोग सवात के लिए निकल रहे हैं, तो बस अब आप हमें इजाजत दें इंशाल्लाह, फिर खैर वाफिस से मुलाकात होती है, वहाँ पहुँच के कॉल भी करते हैं और फिर जुम्मे रात जुम्मे तक इंशाल्लाह वापसी भी होगी। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी कुड़ी नु तंग ना करी। नहीं नहीं जो कहंदी ओदी गल नहीं हो, नहीं मैंने नहीं सुना, मैं बहरा हो चुका हूं। तू सुन ले, और मेरा पुत्र फोन चुक लेना, दोवे चो जिन्नो भी मिलाई है मेरा। नहीं नहीं इंशाल्लाह हम अपना फोन भी उठाएंगे, अपना ख्याल भी रखेंगे एक दूसरे का। ठीक है अब आप हमें इजाजत दें। यार असि सवाल चले, असि जंग ते नहीं चले। ठीक है चले, हो गया जी, अपना ख्याल रख रही ज्यादा। ओके बाबा अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा फिर होती है मुलाकात, हाँ उसको बता दें वो सोया हुआ था। अच्छा जी ठीक है बेटा, इंशाल्लाह होती है जी मुलाकात। गजल चलो, ये तुमने क्या उठा ली है यार, तेरी राज ही बिक जानी है सारियाँ। हाँ जी जनाब, तो मोटरवे के ऊपर हम लोग चढ़ चुके हैं, सुखी के हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं। गजल बड़े स्टाइल से बैठी है, आपको उसका स्टाइल दिखा देते हैं। गजल ये तुम कैसे बैठी हो यार, ज्यादा कम्फर्टेबल है बता। अच्छा ये ज्यादा कम्फर्ट रहते हैं ना। अच्छा अच्छा चले ठीक है, हम कोई कैपिटल टॉक खेल रहे हैं। कैपिटल टॉक। अच्छा, 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 अच्छा तो क्या सीन है, कोई भूख शूख तो नहीं लगी? नहीं अभी तो नहीं लगी। अच्छा। अभी तो फिलहाल ये है कि बस पहुंच जाए रात रात से, वो मतलब धुंध होना से पहले। नहीं धुंध धुंध अभी भी है, धुंध तो देखिए अभी भी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं धुंध अभी भी है, बट बहुत थोड़ी थोड़ी है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी है। खैर यार इस तरह के भाई आगे जाके जरा ब्रेक शेल लगाते हैं, ठीक है कुछ चाय शाय पीते हैं किसी अच्छे की आमद आम के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मंदिर दिखाते हैं। बाहर का मौसम काफी ठंडा है बट हमने गाड़ी के अंदर हीटर ऑन किया हुआ है, तो प्लीज आप सब भी अपना ख्याल रखें। और नया साल का आज पहला दिन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने नए साल का पहला दिन काफी अच्छा गुजार रहे होंगे। ठीक है तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह सफर में आपके साथ आगे आगे चलते हैं। यार जवाद अल्लाह का वास्ता है, कुछ खिला दो यार, भूख तो खैर चलो नहीं लगी, कुछ नहीं खिलाना चाय पिला दो यार, सुबह से पकाई जा रहे हो, देखो शाम हो गई है कुछ नहीं खिलाया पिलाया आपने मुझे। शाम होने आई। चलो यार आगे ब्रेक लगाते तुम्हें कुछ खिला देते हैं, खिला खाना क्या पीना है? नहीं चाय पिला दे, मुझे भूख नहीं लगी फिलहाल। अच्छा चलो हम आगे जाके चाय शाय पीते हैं, और हमें देखने वाले भी हमारे साथ उस वक्त ज्वाइन होंगे दोबारा, तो आपको चाय आगे पिलाते हैं। डन डन, पक्की बात है, पक्की बात आगे ये आप भेरा पीछे गुजार रहे हैं इसी तरह डन डन करते करते, तो ये क्या अभी आप डन सही वाला डन पक्का वाला? नहीं नहीं अब पक्का वाला डन है, क्योंकि अब ये आखिरी कहमत आम है इस्लामाबाद। ठीक है से जो पीछे लाए, ठीक है बेफिक्र हो, चक्री में ब्रेक लगाते हैं, वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। गुड, फाइनली आप लोगों के साथ साथ मुझे भी चाय पीने को मिल जाएगी, अभी बस रुकते हैं तो फिर देखते हैं। हम कार्डियम चाय पीने आ गए हैं गजल, जैसे मैं तुम्हें बोला था पहुंच गए हम लोग, अंधेरा करा दे तुमने आज जगह, बस करें हमें रोका ही नहीं मुझे ना, तुम फिल्मी मिसाल ना चलाया करो ठीक है। अच्छा बताओ अब क्या लेना है? कार्डियम टी बस। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? सर दो कार्डियम टी तो कर दें, छोटी करनी है बड़ी करनी है? सर बड़ी कर दें, क्योंकि सफर हमारा बड़ा है, तो आप हमें ना बड़ी कार्डियम टी कर दें ताकि हमें बार बार रुकना ना पड़े। अभी अभी कार्डियम टी ले लिया, मुझे बार बार तंग ना करना। अच्छा ठीक है, ये कहाँ का सूल है, मैं यहाँ से कुछ और भी लूंगी। क्या देना है?
कुछ बिस्किट वगैरह चलो ले लेना। वैसे मेरे पास चॉकलेट्स पड़ी है, मुझे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, गाड़ी में यहाँ से चाय लेते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी में हम टी पीते हैं, ठीक है? हाँ जी जनाब, जो हमने चाय ले ली, हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब आप सबने दुआएं करनी है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि गाड़ी चला रही है गजल। गजल मैं सही चला लेती हूँ। आगे देख के चलाओ गजल, आगे देख के चलाओ। तुमने व्लॉग की तरफ नहीं देखना, ठीक है? अब तुमने फैमिली को नहीं देखना, फैमिली आपने माई तरफ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आपने माई तरफ दुआ कही रखनी है, ठीक है? यार मुझे सच में बड़ा डर लग रहा है, जो सच्ची सी बात है, क्योंकि मैं गाड़ी किसी को नहीं देता। तो अब गजल गाड़ी चलाने लगी, इसने कहा जी यार थोड़ा सा रश करें, इस्लामाबाद तक मैं चलाऊंगी, फिर उसे आगे फिर आप दोबारा चला लीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी चाय को एंजॉय करते हुए इस्लामाबाद तक जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहां पे जाके फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ले जनाब, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जो काम मैं 3 घंटे से नहीं कर सका, गजल ने 15 मिनट में कर दिया, हमें इस्लामाबाद पहुंचा दिया। देखिए कितने अच्छे ड्राइवर। बस कर दो, बस कर दो ड्राइवर हो। आधा ज्यादा मैंने चलाई है, बस आखिरी 15 मिनट में तुमने चला के गाजी मैंने इस्लामाबाद पहुंचा दिया जनाब। देखिए पहुंचाया तो फिर भी मैंने ही है ना। चलो ठीक है, अल्लाह खैर से मैं आगे भी पहुंचाई अपनी मंजिल तक। तो जनाब ये हम इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के आगे से हम लोग अपना मर्दान का सफर शुरू करेंगे, फिर मर्दान से सड़क जाती है जो कि मैंगोरा को जाती है। यार मैं वैसे ही जरा उनको दिखाना चाह रहा हूँ, रश कितना है। हाँ रश कितना है भाई, रश बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। ये गरीबों का मुल्क है अभी, ये गरीबों का मुल्क देखें, कैसा गरीबों का मुल्क है। अल्लाह खैर रखे यार, अल्लाह सब पे अपनी रहमतें बरसाई रखे। और ये दुआ है मेरी कि ये जो नया साल चढ़ा, ये पाकिस्तान कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और खुशाइंद हो। इलाही आमीन। तो इंशाल्लाह आपको आगे बताते हैं जैसे जैसे साथ चलते हैं। माशाल्लाह जी लड़की तो पकड़ी नहीं जा रही, स्पीड देखे 80 भी आ गई। मुझे पता था वीडियो बना यार, ये 115 पे थी, ये देखो जरा साथ ही। नहीं नहीं यार तेज चलाओ, देखो अगर स्पीड अगर कंट्रोल में है, गाड़ी भी कंट्रोल में, तो चलाओ तेज, 115 तक एटलीस्ट चलाओ। तो ये 91 पे आ गई है, ये 115 पे जा रही थी। मैं इसकी तारीफ करने के लिए मोबाइल को अपने पकड़ा, तो साथ इसने कहा लो जी जैसे पता नहीं क्या, कोई मैं जनाब इसके ऊपर अटैक करने लगा हूँ। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं कि गजल कैसे ड्राइविंग करती है। ये देखें 113 पे आ गई, चल बस कर अब। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, शौकी हो गई है साथ ही बहुत ज्यादा। चलो बस ठीक है, चलो बस मैं भी वीडियो बंद करता हूँ, ठीक है? तो जरा फोकस आगे अपना रखो, ठीक है? चलो ले जनाब, टनल आ गई है ये। हम यहाँ से सवात मोटरवे टनल, और गैस वर्ट गाड़ी कौन चला रही है? गजल। बड़ा इसने होनला डराने वाला सफर करवाया, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इसमें मानना मुन्ना है कोई नहीं है, तो यार अब आपको क्या बताएं। टनल देखें जनाब, पाकिस्तान के नजारे करें। माशाल्लाह हमारा मुल्क भी खूबसूरत है यार, मैं भी कहते रहते हैं जनाब, बहुत खूबसूरत है। बस थोड़ी सी रोशनी इन्होंने कम की हुई है, पता नहीं क्या सीन है, शायद इनको भी बिल ज्यादा आते हैं। बाकी सवात मोटरवे का यहाँ से बाकायदगी से आगाज हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। रात के तकरीबन 8:43 हो गए, हम लोग तकरीबन अपने कैलकुलेटेड हिसाब से कोई 1 घंटा लेट है। बाकी अल्लाह ख्याल रखें, इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलते हैं सवात पहुंच के फिर आपको बताते हैं। ख्याल रखें आप लोग भी अपना। ले जी हम पहुंच चुके हैं सवात, आपकी बहन गाड़ी चला के आखिरकार सवात सही सलामत पहुंच गई है। गाड़ी भी ठीक थी, हम भी ठीक हैं। ये देखें आपके जी जान भाई जान भी आपके आप सबके ठीक ठाक हैं। सही चलाई ना मैंने गाड़ी? बहुत सही चलाई है, मेरी शक्ल से अंदाजा लगा ले। बस कर जाए आठ जवाब, बस कर जाए, कसम से खुशी नहीं होती आप किसी तरह। दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने कहा मेरी शक्ल से अंदाजा लगा ले, कमाल चलाई है। खैर हम लोग सवात वादी सवात के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब ये वाहिद एक रोड है जो सीधी सवात जाएगी। कितनी किलोमीटर दूर बताया उसने? यार ये 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर बस, ठीक है। भूख बहुत शदीद लग रही है मुझे अब। कहती हूँ तो रस्ते में से, कहती हूँ तो रस्ते में से कबाब लेते हैं गर्मा गर्म। यार देखिए शहर में तो कोई भी मतलब जाके होटल में बैठ के खा लेगा, मजा आता है। रस्ते से कबाब पकड़ते हैं, 4 रोटियां पकड़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं खाते हैं। यार नहीं ना आप मेरे साथ फिर खा नहीं ना सकेंगे। यार तुम खिलाओगी मैं क्या खाऊंगा? मैं तो अपने चक्कर में, मैं तो बेसिकली अच्छा सा खा लूंगा। ये आपने देखे, ये बात आपने सच की है ना। हाँ। अच्छा चले देख लेते हैं, कर लेते हैं कुछ। अगर तो रास्ते से खाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर जाके खाएंगे तभी पता चलेगा। एक बात है, इतनी यहाँ पे गाड़ियाँ कमाल खड़ी है ना, इतनी कमाल गाड़ियाँ लाहौर में नहीं खड़ी। अभी एंटर ही हुए तो लेफ्ट राइट शोरूम ही शोरूम है।
है ना। मगर अफसोस ये सारी अभी आपने मुझे जो बताया वो भी बताया ना। नहीं नहीं वो सब समझते हैं, ये NCP है कार्स, ठीक है। तो ये बस यहीं तक अब चला सकते हैं। सही बात है जी। तो बस इनको दूर से देखें और अपना दिल ललचाएं ललचाएं। चलें यार ठीक है, आपसे पहुंच के मिलते हैं इंशाल्लाह। आंखें मेरी मुझे लगता है पहंगी पहंगी सी हो गई है, मगर चले। चलें जी। हाँ जी ठीक लगे, बेहतरीन। लिफ्ट से अंदाजा लगा लो, बेहतरीन लिफ्ट से अंदाजा लगा लो, होटल अच्छा है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ठीक है। हाँ जी। मैं ना अब थक गई हूँ। हाँ? मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मुझे भूख भी लग रही है। अच्छा तो पहले खाना इधर खाना है कि खाना बाहर खाना है, या इनसे पूछ लेते हैं। सर खाना इधर अवेलेबिलिटी है खाने की? 12 बजे नहीं, उससे तो हम पहले खाएंगे, उससे पहले खा लेंगे, मुझे भूख लग गई है। जी जनाब, हम आपको देते हैं हम अपना रूम टूर, रूम नंबर 703। तो जनाब चलते हैं। ओए ये कौन है यारी, तुम क्या कर रही हो यार, तुम अजीब बंदी हो। ले जी जनाब रूम देखें, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का रूम है, ठीक है। कोई ये मत पूछे भाईजान पैसे कौन कितने लगे, ये क्या कितने लगे, ये बात नहीं करनी यार। तो बच्चे ये कसम से बच्चे बाहर ना लग रहा लाहौर के अंदर ही बंदा फिर रहा है, ठीक है। इतना शोर मचा रहे हैं। ले जनाब ये देखें, ये खूबसूरत सा ये क्या कहते हैं इसको, ये क्या होता है ड्रेसिंग। लड़कों का लेना देना नहीं इन चीजों से, वो बेचारे ऐसे ऐसे करते हैं बाल बन जाते हैं। हाँ क्या है ये, हाँ ड्रेसिंग शो के ड्रेसिंग जो भी है जनाब। ये एक अदद अलमारी, साथ टीवी दे दिया है, छोटा सा फ्रिज, ये सोने की हमारे जगह, और सबसे मेन चीज जिसके ऊपर भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिसके ऊपर 3-4 रूम देखे गए हैं, वॉशरूम, ठीक है। तो बहुत बड़ा रूम नहीं है, बट ये है कि साफ है, बेहतर है, बहुत अच्छा है। अब आप जब शहर से बाहर जाते हैं तो आपकी दो ही मेन चीज़ें होती हैं कि यार जहां आप रहें वो जगह साफ हो, और जो आप खाएं वो चीज़ आप अच्छी खाएं। तो रूम हमें अच्छा मिल चुका है, अब देखते हैं कि हमें खाने में क्या मिलता है। तो अब खाने की तरफ चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। कुछ डिसाइड भी किया कि बस इसको याद करने बैठ गई है? अच्छा क्या है? अच्छा क्या है जल्दी बताओ। अच्छा, क्या मुझे सिर्फ ये बता दे आपने चाइनीज खाना है या बारबेक्यू? खुदा का नाम है, अभी कुछ दिनों पहले आपकी कजन का हमने खाना किया है, वो भी चाइनीज खा रहे हैं, और अभी मजे की बात है अभी हमने घर कॉल की, वो भी चाइनीज खा रहे हैं, और अभी कुछ दिनों बाद रजब भाई ने खाना करना है, वो भी चाइनीज ही है, वो भी चाइनीज नहीं। अब मैंने कोई चाइनीज खाना, भाई मैं देसी खाऊंगा क्योंकि मैं देसी बंदा हूँ, देसी। देखो कोई हाँ जी, चिकन कढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा और दाल माश कर लेते हैं साथ। अच्छा ये तो मुझे वो याद आ रहा है, आपको याद आया वो हलाल नाइट? ये तो वही खाना चल रहा है भाई, लगता है रीकैप हो गया मेरे साथ। चलो देख लो, इसके अलावा और कुछ नहीं इनके पास, सूप भी है वैसे अगर आपने पीना तो। या अगर तो खुदा का नाम है। देखो जब लाहौर से बाहर आते हैं ना तो बजटिंग करके चलते हैं। नहीं अच्छा चलो देख लो, जो आपको बेहतर लगता है ना। अच्छा मेरी बात सुने, आप एक काम करें, आप ना सूप ना करें, आप हाफ के जी चिकन कढ़ाई कर लें, और आप ना दाल माश कर, ठीक है। साथ में देते हैं रोटियां दे दें, ठीक है। सूप ये है कि सूप इंशाल्लाह हम लोग कल ट्राई कर लेंगे, ठीक है जी। ठीक है नो प्रॉब्लम। तो फैमिली के लिए कुछ हदायत ज़रूरी, सवात आने से पहले, इस मौसम में सवात के क्या हालात हैं? इस मौसम में सवात अगर आप आते हैं तो खैर से हैं, बस ग्लव्स पहन के हैं, मैं सब कुछ रख लिया, टोपी शोपी सब कुछ। मगर उनको बताओ ना कि अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सवात में इस 3 महीने से कोई बारिश नहीं हुई सवात वाली तरफ, और सवात में कलाम में कोई बर्फबारी नहीं है, खुश्क सर्दी है। हम लोग यकम जनवरी मतलब कि ये पीक टाइम है सर्दियों का, तो कोई बर्फबारी नहीं हुई इस बार, पता नहीं क्या बात थी, शायद हम आ रहे थे या शायद इसको इनको पता चल गया था ये गदल जब फैमिली आ रही है। हाँ। तो मुका दो हर चीज, खत्म कर दो, भी खत्म कर दो, हर चीज की भी नहीं हो रही, खत्म कर दो सारा कुछ। अच्छा अब ऑर्डर के लिए किसको हमने कहना है? भाई को ऑर्डर करना है। जी सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमने एक करनी है चिकन कढ़ाई, एक करनी है दाल मखनी, इसके साथ करनी है हमने 3 खुद शुरू हो जाओ, लिखेंगे क्या है स्कूल से लिखेंगे वो भी हंस रहे।
हंसना अच्छी आदत है, चलें अच्छी बात है, ठीक है बस यही एक रायता कर दें आप, एक रायता कर दें साथ चाय, इसके बाद हम कर लेंगे और सलाद नहीं करना, सलाद नहीं, सलाद नहीं, सलाद नहीं, सलाद नहीं, आपने करना है इसके साथ जीरा रायता, ठीक है यार, जीरा रायता तो ठीक रहता है, मिनट वाला ना मिनट में ना आ जाएगी नहीं खाने के साथ ही आएगा टेंशन, अच्छा नहीं नहीं बस वादा चाहे पानी यहाँ पे पड़ा हुआ, थैंक यू, कितनी देर तक नहीं नहीं पर यार ये हमने 25 एक एक 250 ग्राम आपने बताया है, कसम मैं बताती हूँ, कसम से ये अच्छा मुझे लाहौर से यहाँ पर कुछ नहीं खिला दिया यार, ये झूठ बोल रहे हैं भाई, ये व्लॉग लगेगा इसने बिस्किट मंडे हैं कली ने, चॉकलेट इसने कहीं डब्बा ये लेके आई है इसके अलावा इसने यकीन करे ये रास्ते से चाय के ना बड़े बड़े ड्रम पी के आई है यार, देखो मैं बात सुनो इस तरह कहूंगी तो वो जल्दी ला देंगे सच्ची में कुछ दिखना है, जल्दी ला देंगे, अच्छा भाईजान आप काइंडली प्लीज जल्दी ला दे, 25 मिनट बहुत ज्यादा है, इसको जरा 25 सेकंड में लेके आए, कितने कच्चा ना लाए यार, थैंक यू, ले जनाब 25 मिनट का सफर, झुकते मारा करो उनको, यार मैंने झुकते कहाँ मारी है, तुम झुकते मारते ना उनको बुरा भी लग सकता है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को नहीं बुरा लगता, मारा करो अच्छी बात है, अच्छा अच्छा मजा आता है, ले जनाब 25 मिनट का सफर है, अब 25 मिनट में डेफिनेटली आप मुझे देख देख के तो थक जाएंगे खाना आता है तो आपको ज्वाइन करता हूँ, 2 hours later यार किधर फंसा दिया यार तुमने, मैं खुद आपके साथ फंसी हुई हूँ, और टिश्यू भी रख दिए जैसे हम खाना खाई बैठे हैं ठीक है, टूथपिक भी रख दी है, सारा कुछ रख दिए जो खाने के बाद रखा जाता है, बस दुआ करें मेरे भाइयों खाना में जल्दी आ जाए, यकीन करें बहुत भूख लग रही है, और रात के इस वक्त जनाब 11 बज चुके हैं, अब अपन को लगा ले समझ गए ना कौन है यार तुम कहाँ से आते हो, तो मैं लाहौर से आता हूँ, चलो अब खाना आने वाला, लो जी खाना आ गया, खाना लो जी खाना आ गया है, ऊंचा बोलो थोड़े से, क्या डर लग रहा है, नहीं जरा तहजीब में बोलो, उन्हें पता ना चले भूखा है, कोई बात नहीं उन्हें पता चलना चाहिए, मैं अच्छा, अच्छा। मैं खोलती हूँ, टडा अगला खोलो, दिस इज चिकन कढ़ाई, ओ जल्दी करो भाई, दिस इज दाल, भजन वो सेम मेन्यू है जो उधर वो चला था वही वाला मेन्यू है, भजन बहुत शुक्रिया मुदसर भाई, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया, ये जनाब खाना खाते हैं, खाना खा के इंशाल्लाह फिर आपके साथ बात करते हैं, मजा आ गया, खाने के साथ बहुत मुश्किल काम है, देख रहे हम लोगों ने किया क्या है, इसको देखो ये अभी भी खाई जा रही है, चम्मच भी खा जा, खा जा चम्मच भी खा जा, यहाँ पर मेरी टोपी क्यों पहनी है, जो चीज को पसंद है कि टोपी के अंदर छुपा लेंगे अच्छा क्या सीन है, चाय यहीं पी, चाय यहीं पी ले, ओए ओए चाय हाँ देख लें पी लेते वैसे इधर ही, यार चाय ना यहीं पी लेते, रूम के अंदर क्या मैसेज सा रूम काटने के, अच्छा खाता हूँ उन्होंने कमरा दिया, अगली बार हमारी शक्ल देख के बोले तुम्हारे व्लॉग्स नीचे कमेंट करें भाई, इनको रूम ना देना, क्या बोलते हो, इधर ही पी लें फिर, चलो चाय पीते हैं, बहुत मजे का था, यकीन करें पहली दफा हाँ किसी होटल का खाना मैंने अच्छा खाया, लिटरली, नहीं तो होटल होता है आप रह रहे होते हो, मैं रही हूँ पहले भी मगर खाना नहीं अच्छा था, अमेजिंग, शायद भूख ज़्यादा लगी थी पर खाना चल बस कर, उन्होंने तुझे क्या कोई डिस्काउंट दिया हुआ, नहीं मतलब यार डिस्काउंट नहीं दिया, अच्छी चीज़ की तारीफ करनी चाहिए आपको भाई, अच्छा तो फिर तुमने मेरी तो कभी की नहीं, चल झूठा, आप तो मेरी जान है, अच्छा अच्छा चले बहुत शुक्रिया, अच्छा जनाब चाय हमने यहीं पीनी है, फिर रूम में जाके इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, चाय शायद पी लें, माशाल्लाह डिकार भी आ गया, हजम भी हो गया, मतलब कि खाना 110% ओके था, ये निशानी होती है भाई पाकिस्तानियों की, जी आ गए हम लोग अपने कमरे के अंदर, तो खाना शाना खा लिया, चाय शाय पी ली है, थकावट यार बहुत ज़्यादा हो गई है, और तकरीबन देखे ये 12:15 होने वाले हो गए हैं, और हम लोगों ने कल सुबह जल्दी उठना है ताकि हम लोग फिर आगे, हमारा कल प्लान है, मतलब हमारा कल क्या सीन है मालूम जब्बा के कलाम यार, कलाम कल चले जाते हैं ना,
ठीक है, फिर वहां से वापस आके फिर देखेंगे परसों मालिन जब बस होके वापस। चलो तो यार सीन इस तरह है कि हम लोग कल इंशाल्लाह इरादा कर रख रहे हैं कि हम लोग कल कलाम के लिए जाएं और 4 घंटे की ड्राइव है। उन्होंने कहा रोड भी बेहतर है, थोड़ा सा खराब है बट बेहतर है रोड। ठीक है तो आपसे अब इजाजत लेते हैं, बट उससे पहले आपको एक शशका दिखाते हैं, जरा शशका चेक कीजिएगा जरा। भाई जी पैसे वसूल, भाई जी पैसे वसूल। यार ये वाला शशका कमाल है। वैसे गजल तुम्हें याद है तुम मुझे कह रही थी जवाब मुझे साइड लैंप ला दो। हां जी अच्छी लग रही है। बैग तो पे है, मतलब बैग तो पिया हो है, मतलब इतो ले लेने हैं नवे। क्या बोलती हो फिर है? अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। बट उससे पहले जरूरी ऐलान, तमाम मेरे बहन भाई जरूरी ऐलान, इस साल का सबसे अहम ऐलान जो आप सबने 31 दिसंबर 2024 तक अपने दिलो दिमाग में समा के रखना है, वो क्या है? चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे आने वाले व्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट करें, और यह चैनल को भाई सब्सक्राइब लाजमी कर लो और बेल आइकन का बटन भी दबा लो। यकीन करो जो उसके ऊपर थे ना वो पैसे शैसे वो खत्म हो गए, अब खुल के दबाओ, कोई आपसे कोई कुछ नहीं मांगेगा, ताकि आपको नए नए जो व्लॉग्स है ना भाई वो अपडेट होती रहे। नहीं तो बैठे रहोगे, कोई कहेगा यार वो व्लॉग आया था, क्योंकि है कब आया था। तो बेहतर यह कि गजल इनको ये करना चाहिए। ठीक है तो आपसे लेते हैं इजाजत, आज गजल हमें अलविदा करेगी। जी गजल, आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।